हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पहले भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सिलेबस हम लोग का जून का लास्ट वीक यानी कि 25 जून के बाद और 10 जुलाई के पहले तक रिड्यूस कर दिया गया है, और ये CBSE के जो चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा भी बताया गया है कल। तो चलिए इसके बारे में पूरे न्यूज़ को हम जानते हैं। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से लेकर 12 नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउटनेट इंस्टॉल करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करो और उसे व्हाट्सअप पर सेंड करो, और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन पाओ। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं COVID-19 जो कि यहाँ पर दिया गया इसका हेडिंग में, कि CBSE टू बी रेडी विथ रेशनलाइज्ड क्यूरिकुलम विद इन अ मंथ सेज बोर्ड चेयरपर्सन, यानी कि एक महीने के अंदर ही क्यूरिकुलम जो कि हम लोग का सिलेबस है वो रेशनलाइज्ड किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस किया जाएगा। बोर्ड इसके लिए रेडी कर रहा है या फिर रेडी है, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें और क्या कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिखा गया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इज वर्किंग ऑन रेशनलाइजिंग द क्यूरिकुलम टू मेक अप फॉर एकेडमिक लॉस कॉज्ड बाय COVID-19 पैंडेमिक। जैसा कि बच्चों हमें पता ही है कि COVID-19 पैंडेमिक के कारण जो भी हम लोग के पढ़ाई में लॉस हुआ है, तो इसके वजह से क्यूरिकुलम जो है रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जा रहा है। एंड द रिड्यूस्ड सिलेबस विल बी रेडी इन अ मंथ्स टाइम, बोर्ड चेयरपर्सन मनोज आहूजा सेड ऑन फ्राइडे। यानी कि बच्चों फ्राइडे को मनोज आहूजा जो कि बोर्ड के चेयरपर्सन है, तो उन्होंने बताया कि इस मंथ तक आप लोग के जो सिलेबस है वो रिड्यूस कम कर दिए जाएंगे, और इसके लिए जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और भी क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसमें ये दिया गया है कि जो यूनियन HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी हैड अनाउंस्ड इन अप्रैल में ही जो रमेश पोखरियाल निशंक है उन्होंने बताया था कि CBSE के जो क्यूरिकुलम है वो रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है, अगले आने वाले सेशन के लिए, मतलब 2021 में जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए। फॉर द क्लासेज टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन, जो भी क्लासेज लॉस्ट हुए हैं COVID-19 लॉकडाउन के कारण, ठीक है, तो इसके वजह से क्यूरिकुलम को लॉस किया जा रहा है। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और मैंने कल आप लोग को बताया था कि सिलेबस कितना रिड्यूस होगा, तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि 20 से 30% रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, लिखा गया है कि रिड्यूस सिलेबस बाई 30%, रीओपन स्कूल्स विथ रीजनेबल प्रिकॉशंस, और स्कूल अगर ओपन भी होते हैं तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस के साथ भी अब ओपन होंगे। ओपन का डेट मैंने आप लोग को बताया था 15 जुलाई के बाद हम लोग स्कूल ओपन होंगे। और बच्चों ये जो बात कही है ये मनीष सिसोदिया ने HRD मिनिस्टर को कही है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि 30% रिड्यूस किया जाए सिलेबस, 20 से 30% रिड्यूस होगा, और स्कूल अगर ओपन होता है तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस के साथ ही ओपन होगा, ठीक है। तो ये जो बात कही है वो दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कही है। तो इसमें आप जो है देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ लिखा गया है कि 30% रिडक्शन इन सिलेबस फॉर ऑल ग्रेड, जितने भी क्लासेस हैं। तो बहुत सारे 11th 12th के बच्चे थे, वे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या 11th और 12th का भी सिलेबस कम होगा, 9th वाला भी कर रहे थे कि सर 9th का भी कम होगा। तो बच्चों जितने भी ग्रेड्स हैं, चाहे 1 से हम लोग बात करें या फिर सारे क्लासेस का बात करें, 1 से लेकर 12th तक सारे बच्चों का सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि द लॉस कॉज्ड बाय द COVID-19 पैंडेमिक एंड एडवोकेटेड रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स विथ रीजनेबल प्रिकॉशंस। यानी कि बच्चों हम लोग ऊपर में इसके बारे में जानेंगे, जो सिलेबस हम लोग का कम हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो COVID-19 पैंडेमिक के कारण हो रहा है, और स्कूल अब खुलते हैं तो कुछ रीजनेबल प्रिकॉशंस के साथ ही अब ओपन होंगे। अब जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन अब देना है 10th का, तो वे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर फिलहाल अभी हम कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़े, कौन सा चैप्टर्स नहीं पढ़े। तो इसके लिए बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी जो है मैथ्स का और साइंस का मैंने बता दिया है। मैथ्स का जो मैंने सिलेबस आप लोग को बताया था उसी टाइम बताया था कि ये सारे चैप्टर्स आप लोग जरूर पढ़े, ये कभी रिमूव नहीं हो सकता है। साथ ही बच्चों मैंने आप लोग को साइंस के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं जो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा, तो उन चैप्टर्स को फिलहाल अभी आप लोग पढ़े। उसके बाद जो भी चैप्टर्स रिमूव होता है तो फिर आपको उसको वो सारे चैप्टर्स जो होंगे वो आपको नहीं पढ़ने होंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।